subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. हेलो दोस्तों, तो हमारा तीसरा एपिसोड है टेक टॉक्स का, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो हमारे पहले टेक न्यूज आ रही है सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग ने 3 नए फोन लॉन्च करे हैं, गैलेक्सी J8, J6, J6 प्लस। तो जो पहला है J8, तो उसकी प्राइस लगाइए 18,990 रुपीज़, और वो एक ही वेरिएंट में है, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज। और फिर जो अगला फ़ोन है J6, तो J6 की दो वेरिएंट्स है, 3GB रैम और 32GB स्टोरेज, और एक 4GB रैम, 64GB स्टोरेज। तो जो पहला है 3GB रैम, 32 स्टोरेज, तो उसकी प्राइस है 13,990 रुपीज़, और जो 4GB रैम, 64GB इंटरनल है, तो उसकी प्राइस है 16,460 रुपीज़। तो हमारी अगली टेक्नोलॉजी आ रही है मोटो G6 की तरफ से। तो मोटो G6 की डेट फिक्स हो गई है, अब वो June 4 को अमेजोन पे सबसे पहले इंडिया के लिए लॉन्च होगा। तो अब हमारी अगली टेक्नोलॉजी आ रही है वीवो की तरफ से। तो वीवो का नया फ़ोन X21, जिसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, वो 29 मई को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। हमारी अगली टेक्नोलॉजी आ रही है सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग समर फेस्ट 22 मई को स्टार्ट होने वाला है, मतलब कल स्टार्ट होने वाला है सैमसंग समर फेस्ट। उसमें बहुत सारी बेहतरीन डील होगी, तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में बताना आप लोगे या नहीं। हमारी अगली टेक्नोलॉजी आ रही है ब्लैकबेरी की तरफ से। तो ब्लैकबेरी का Q2 जो फ़ोन है, उसकी एक फ़ोटो लीक हुई है इंटरनेट पर। ये जो आप फोटो देख सकते हैं, ये है ब्लैकबेरी Q2। और जो Q1 है, उसके लिए भी एक और अनाउंसमेंट है कि उसमें एंड्रॉयड ओरियो बहुत ही जल्दी आने वाला है। अगली टेक्नोलॉजी आ रही है चाइना की तरफ से। तो चाइना ने एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है मून पे, जो उसकी डार्क साइड पे जाएगा और वहाँ पे देखेगा, मतलब कुछ रिसर्च करेगा। हमारी अगली टेक्नोलॉजी आ रही है Xbox One की तरफ से। तो Xbox One में एक नया अपडेट आ गया है, जो उसमें डिस्कॉर्ड इंटीग्रेशन एक टाइप का कोई नया चीज़ है Xbox One में। तो उससे इसमें ऐसा हो गया है कि 120Hz पर सेकंड से आप लोग इसमें गेमिंग कर सकते हैं। बहुत ही मस्त अपडेट लाया है Xbox One। तो दोस्तों, यही हमारा टेक टॉक ख़त्म होता है आज का। तो अगर आपको टेक टॉक पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक करना मेरी वीडियो को, शेयर करना, कमेंट मारना, और सब्सक्राइब तो कर ही देना, और पास से घंटी का आइकन आएगा उसे दबा देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, वंदे मातरम।